एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय अनीता मैम। तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि बायजूस जो कंपनी है, सबने इसका नाम जरूर सुना होगा, है ना। जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो इसकी ऐड आपने ज़रूर देखी होगी। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है, ये एक भारत की कंपनी है। और इन्होंने क्या किया है ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि बायजूस ने, भारतीय कंपनी आपकी बायजूस, और इसने इतिहास रच दिया। फटाफट से हम जानते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बायजूस क्या लर्निंग ऐप है, जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड ये आपकी क्या है, एक ऐप है, ठीक है। तो देखिएगा, बायजूस ने रचा इतिहास क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजूस बनी है। तो देखिएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 कहाँ होने वाला है, फटाफट से कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट होता है आपका, ठीक है। और ये कहाँ होने वाला है, ये कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, वहाँ ये होने वाला है आपका, कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फटाफट से हम रीड आउट करते हैं कि क्या आज की हमारी न्यूज़ है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, ये एड टेक, जिसे हम एजुकेशन से रिलेटेड बोल देते हैं उसे हम एड टेक बोल देते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर बायजूस ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज करा ली कि भारतीय मूल की जो कंपनी है बायजूस ने फीफा विश्व कप की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है, ठीक है। तो कतर में होने वाले विश्व कप के लिए बायजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर के लिए चुना गया है। जैसे आपने बहुत बार देखे होंगे, जैसे IPL वगैरह आप देखते हैं, तो उसमें स्पॉन्सर के जो ये टीम होती है वो क्या करते हैं, उनकी टी शर्ट वगैरह डालती है उस एड से रिलेटेड। लाइक जैसे अनअकैडमी है आपकी, लाइक जैसे आपका टाटा है आपका, ठीक है, वीवो है आपका, आपने देखा होगा ना, स्पॉन्सरशिप कंपनी होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फीफा के इस बार स्पॉन्सर कौन करने वाला है, फर्स्ट इंडियन जो कंपनी है आपकी बायजूस, वो करने वाला है, ठीक है। कहाँ होने वाला है, कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के प्रायोजक बनने के साथ ही बायजूस भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसके साथ ही बायजू फीफा विश्व कप को पूरी दुनिया में स्पॉन्सर करने वाली भारत की तो पहली है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जो ये कंपनी है वो पूरे विश्व की पहली है, जो कि पूरी दुनिया में स्पॉन्सर करने वाली पहली एडटेक जो ब्रांड है वो आपका बायजूस बन गया है। फीफा वर्ल्ड कप के साथ ही जुड़ने के साथ बायजू युवाओं को शिक्षा से जुड़े कंटेंट भी क्या उपलब्ध कराएगी, ठीक है। बायजू के CEO कौन है, आपके CEO हैं आपके रविंद्रन, कहाँ हैं रविंद्र, या साउथ इंडिया के रहने वाले हैं। इनको बहुत ही बड़ी खुशी हुई, तो सबके साथ इन्होंने ट्विटर पर आपका ट्वीट करके इन्होंने साझा किया किस तरीके से विश्व के सबसे प्रतिष्ठित खेल मंच पर क्या करेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो ये टूर्नामेंट है कहाँ होने वाला है आपका, नवंबर दिसंबर 2022 में कतर में होने वाला है। 21 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी और फाइनल जो मुकाबला है वो 18 दिसंबर को होएगा, ठीक है। बायजू जो आपके फीफा फुटबॉल विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दुनिया के कितने देश हिस्सा लेंगे, 32 जो देश हैं इसमें हिस्सा लेंगे। और पहले कब हुआ था, ये 2018 को हुआ था, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। किससे हराया था, फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर एक खिताब जीता था। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इन्होंने फंडिंग भी अरेंज की होगी। तो क्या किया इन्होंने, हाल ही में बायजू ने $80 करोड़ यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इस फंड रेजिंग का जो हिस्सा है बायजू रविंद्रन भी है, यानी कि इन्होंने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी, उनकी 25% की इसके अंदर हिस्सेदारी हो गई है, ठीक है। अब वो बता दें कितने साल के हैं हमारे, देखिएगा 39 साल के जो रविंद्र हैं, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। इन्होंने IIT की हुई है आपके, यानी इंजीनियरिंग में इन्होंने पढ़ाई की हुई है, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। आपने बायजू के जो आपका यूट्यूब पे आपका चैनल है वो भी आपने देखा होगा, इनकी एप्लीकेशन भी आपने देखी होंगी, कि ये क्लास जो आपकी जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वहाँ से लेके कंप्लीट जो कंप्यूटर एग्जाम की वही तैयारी करवाती हैं। और इन्होंने इतिहास रच दिया है भारत की पहली ऐसी स्पॉन्सर करने वाली एडुटेक के क्षेत्र में, क्या है आपके एडुटेक के क्षेत्र में फर्स्ट कंपनी बन गई है आपकी, भारत की तो फर्स्ट कंपनी, लेकिन पूरे विश्व में एडुटेक के क्षेत्र में फर्स्ट कंपनी बन गई। तो आज की थी आपकी न्यूज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरीके से इस शॉर्ट वीडियो के लिए या फिर आप GS पे कंप्लीट अपनी कमांड पकड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी एस पे अभिनीता मैम को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।